Hi guys, this is me Abhita Zakir. Welcome back to my channel. I am connecting with you from Toronto. So hum hai Port Blair mein and I am back with my another vlog. काफी दिन बाद, but I hope it will be exciting. दिस इज़ ब्लू ब्रिज होम्स जो हमने बुक किया था पोर्ट ब्लेयर में रहने के लिए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे रहने का. स्टाफ वॉज़ वेरी हेल्पफुल, होटल वॉज वेरी क्लीन और सब कुछ बहुत पास था. मेन मार्केट वॉज़ वेरी नियर, तो हम स्कूटी लेने के लिए जा रहे थे तो ये शॉर्टकट रास्ता दिखाया था हमें वहीं के स्टाफ मेम्बर ने. बट अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूटी नहीं मिली तो हमने टैक्सी कर ली. फिर बहुत ही जिद्दोजहद के बाद हम डिसाइड करवाए हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है. तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? कार्विन कोव बीच. वहां देखते हैं क्या करेंगे जाके. पापा ने लास्ट टाइम भी ऐसे ही हाई किया था. हमारा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम बीच में आने वाले हैं. एंड लुक व्हाट आई एम वेयरिंग. तो ये मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम बीच पे जाने वाले हैं. वी आर हियर. Enough to say कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ. अभी जस्ट अभी हम क्या होता है वो क्या होता है अभी हम क्या करके आए हैं मतलब व्हाट एन आयरनी. मतलब मुझे पता भी नहीं हम क्या करके आए हैं. बट या मैंने नैनीताल के पैराग्लाइडिंग वाले उससे ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी वाटर स्पोर्ट हो मैं जरूर, मतलब कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो मैं जरूर 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 करूंगी. इट वॉज फन एक्सपीरियंस. हमें स्टार्टिंग हमारे साथ अभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है. हम ये देखो हम ऐसे झुमके हम ये सब ऐसे पहन के आए, हमें पता ही नहीं था हम करने क्या जा रहे हैं. और हम अचानक से आए और हमने बहुत अच्छा करा. हमने बहुत अच्छा करा. यस इट वाज फन. ओ दिस इज प्रीटी. बाय बाय गू. ये पागल है. अभी एक फोटो खींचो तुम तीनों का. इधर आओ. वो दूर से पापा आ रहे हैं. और ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है. Thank you.
फोन की हालत तो अल्लाह ही जाने कैसे हुई है। मेरे ख्याल से वाटर रेजिस्टेंट के पैसे तो लिए हैं इन्होंने, अब बाद में पता चलेगा कि क्या हालत हुई है फोन की। अभी इतना हम इतने सूखे हुए, मतलब हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था कि हम ये करने वाले हैं, तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमारे हाथ भी इतने गीले हैं, हम कैमरा भी नहीं साफ कर सकते, ऐसे आ रहे हैं फैसे, देखो कैसी आ रही है। सो इट वॉज वेरी 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 मच अनप्लान्ड टुडेज डे। हमें पता ही नहीं था कि आज हमें क्या करना है, आज ही हमने लैंड किया, आज ही हम इधर आ गए, आज ही हमने वो क्या कर दिया, क्या करा था ये स्कूटर स्कूटर राइड बट इन वाटर, क्या फिर से स्कूटर राइड बट इन वाटर वाटर इसको जेट स्कीइंग बोलते हैं क्या, आई डोंट नो, स्कूटर ऑन वाटर, दैट्स इट स्कूटर ऑन वाटर, यू नो इट्स माय ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश थी ये, जस्ट इसको देखो गिर गई है बीच में, कौन आया एकदम, क्या आया आप जैसे वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ अभी इस टाइम पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे, चैनल पे मतलब जिंदगी में इतना चैनल हो गया कि चैनल पे ओके व्हाटएवर, मैं हूँ अभी इस टाइम पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे एंड इट इज़ द सेकेंड डे हियर इन पोर्ट ब्लेयर। हमने ऐसे प्लान किया था कि वी विल स्टे लाइक टू डेज, लाइक फॉर इनिशियल टू डेज इन पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद हम आगे को दूसरे आइलैंड्स पे जाएंगे। तो इट इज़ द सेकेंड डे, फर्स्ट डे हमने कल ही लैंड किया था, हमारी फ्लाइट ने कल लैंड किया, और हमने लैंड किया, हमारी फ्लाइट ने लैंड किया, दोनों एक साथ ही तो करेंगे, अलग अलग कैसे कर लेंगे, ठीक है। एंड टुडे इज द सेकेंड डे एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड इज ए आइलैंड जहाँ पे आपको बहुत सारे हिरन मिल जाएंगे, बहुत सारे डियर्स मिल जाएंगे, इट्स नॉट लाइक अबिद डियर, इरम डियर, मम्मी डियर, मम्मी डियर कुछ वर्ड नहीं होता है, हाँ इट्स लाइक हिरन, हमें बहुत हिरन मिल जाएंगे, इतने हिरन मिलेंगे जितने आपको बरेली में बंदर मिल जाते हैं। एंड वी हैव टू टेक अ फेरी फ्रॉम देयर, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी कि रॉस आइलैंड कहाँ है तो वो यहीं से दिख रहा है हमारे रूम, वो दिख रहा है ना, वो दैट इज रॉस आइलैंड। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, लेट्स गो। हमारी अंडमान की ट्रिप ख़राब कर रहा है ये हमेशा, क्योंकि हमेशा आने वाला है 15 तारीख को, और उसकी वजह से हमारा रॉस आइलैंड भी बंद है, हमारा सेलुलर जेल भी बंद है, जिसकी वजह से जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है ना, मतलब जो एक अट्रैक्शन है यहाँ पे घूमने की, वही सब बंद है। तो अभी वी आर गोइंग सम अदर आइलैंड, अभी पता नहीं, एक नॉर्थ बे आइलैंड है और एक और है जहाँ पे फांसी दी जाती थी वहाँ, ओ गॉड या बट सी द ब्यूटीफुल, बट ऐसे बादल तो हमारे वहाँ पे भी दिख जाते हैं बरेली में। हमारी टैक्सी, इसमें हम जा रहे हैं, नॉर्थ बे आइलैंड और वाइपर आइलैंड, उसके लिए हमारी जेटी पे हम जा रहे हैं, वो हमारा वेट कर रही है उधर। हम अपनी वहाँ जाने के लिए वाइपर आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड, वहाँ पे बेसिकली वही है कि वहाँ पे फांसी दी जाती है। नोट के पीछे जो एक जगह बनी है, दैट इज नॉट वेल।
करेंगे, जैसे कि हम एक एक जना बैठेगा, बट नहीं क्योंकि हमें वेटर सीट चाहिए। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे स्नॉकलिंग करेंगे। स्नॉकलिंग इज़ बेसिकली अ वाटर स्पोर्ट जिसमें आपके मुंह पे वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा देंगे, जैसे कि अभी उन्होंने मेरे लगाया है, और वो हमें अंदर एक स्विमर हमारे साथ रहेंगे, वो हमें स्विमिंग करके करके वो हमें बिल्कुल समुंदर के थोड़ा अंदर तक लेके जाते और वहाँ पे वो हमें कोरल्स, वाटर लाइफ, मछलियाँ वगैरह ये सब दिखाते, और बट सरफेस से ही, समुंदर के सरफेस से। वी जस्ट डिड स्नॉकलिंग इन द स्पार्कलिंग वाटर, इट वाज फन। इतने उसके अंदर इतनी प्यारी प्यारी मछलियां थी, इतनी वेरी प्रीटी, वेरी वेरी नाइस, हैज अ डिफरेंट लाइफ अंडर सी, इट वाज वेरी प्रीटी। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, इट वाज वेरी प्रीटी, एंड सो इट इज। स्नॉकलिंग तो करनी है, मैं स्विमिंग भी करके आती हूँ। और पता है मैंने उन भैया से बोला कि मुझे स्विमिंग सिखाओ, उन्होंने मुझे स्विमिंग भी सिखाई है। वाइपर आइलैंड जहाँ पे उस बिल्डिंग में फांसी दी जाती थी।